सीवरेज और दीगर मसाइल मशावरत से हल किए जाएंगे। एमएनए नजीब हारून ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत खुशाइंद थी और माशाल्लाह यहाँ पे इसका जो डिस्ट्रिक्ट का ये जो ऑफिस है इसके अंदर माशाल्लाह हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो काउंसलर्स हैं मुख्तलिफ इलाके के उनके साथ उनके भी और जो फेडरल फंड आया हुआ है उससे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वाटर बोर्ड वाले भी, ताकि इसमें कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा इशू है क्योंकि बहुत सारे इदारे हैं और कराची में इस वक्त पेवंतकारी ही हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 करोड़ रुपए का फेडरल गवर्नमेंट का फंड है वो ऊंट के मुंह में ज़ीरा है, क्योंकि ज़माने से इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, कोलैप्स कर रहा है। तो तावक्त ये कि कराची को इसके हिस्से का पूरा पानी मिले, के फोर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और उसके बाद जो ऑगमेंटेशन के आगे जो लाइनें हैं उस वक्त तक पुराने निज़ाम को हमें ज़िंदा रखना है पेवंतकारी के ज़रिए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि अभी आज ये रमज़ान के आखिरी अशरे में और कल परसों में ईद है, पानी की दस्तियाबी के हवाले से, पानी की निकासी के हवाले से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर से तावुन हुआ और उनसे कोऑर्डिनेशन डेवलप हुई और उसके बाद मुख्तलिफ हलकों में जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जहां पर ज़्यादा मसाइल हैं वहां पर हमने हिकमत अमली तैयार की। हालांकि सिंध गवर्नमेंट जो कि वाटर एंड सीवरेज की निगरानी कर रहा है इदारा और जिस तरह होना चाहिए रिफ्लेक्ट वैसे नहीं हो रहा, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ रहे हैं। इजलास में मौजूद शुरका ने आवाम की फलाह के लिए ज़ाती फंड से तरक्याती काम करवाने पर एमएनएस का शुक्रिया अदा किया।